दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एंटी अल्सर ड्रग जो कि हमारी फार्माकोलॉजी थर्ड बी फॉर्म सिक्स सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, ठीक है। तो आज इसमें देखेंगे एंटी अल्सर का जो क्लासिफिकेशन हमारा और जो फिजियोलॉजी है, मतलब जो आपका एसिड सेक्रेशन हो रहा है कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद जो हमारी इस कैटेगरी की ड्रग है उनको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई अल्सर क्या होता है ना। तो सबसे पहले हमने डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। तो आप थोड़ा समझो, यहाँ पे पेप्टिक अल्सर अकर्स इन दैट पार्ट ऑफ GIT। कहाँ पे? पार्ट ऑफ GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन स्टमक एंड ड्यूडेनम। मतलब पेप्टिक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे GIT में होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है, और जो मेजर इस पर रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एसिड्स एंड पेप्सिन होता है, ठीक है। यह आपका एब्डोम ड्यूडेनम में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है और ईसोफेगस में भी हो सकता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे दूसरी लाइन क्या लिखी है, इट इज रिजल्ट प्रोबेबली ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव, ध्यान से समझना है, दिस इज एग्रेसिव लाइक एसिड, पेप्सिन, बाइल एंड एच पायलोरी। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या फिर ज्यादा रिलीज बढ़ जाना ना। अगर एसिड यहां पे लिया गया HCl, अगर HCl का रिलीज ज्यादा बढ़ रहा है, पेप्सिन का रिलीज ज्यादा बढ़ रहा है, बाइल का रिलीज ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर अगर हम बात करें एच पायलोरी, दिस इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अगर इसका प्रेजेंस ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, हमारे बॉडी में, हमारे GIT में पेप्टिक अल्सर के चांस बढ़ जाते हैं। ये एग्रेसिव पॉइंट है, ठीक है, एग्रेसिव फैक्टर है। एंड डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब होता है किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कोई बैक्टीरिया आ रही और हमारा इम्यूनिटी लड़ रहा है, दिस इज डिफेंसिव। अब डिफेंसिव में क्या है, लाइक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बाइकार्बोनेट्स सिक्रेशंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाई म्यूकोसल ब्लड फ्लो, दीज आर डिफेंसिव, ठीक है, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म वो करते हैं। लाइक बाइकार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छी है तो इरोजन नहीं होगा वहाँ पे ना, तो जो दिक्कत आ रही है आपके स्टमक में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ना। तो ऐसे ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लाइक आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या फिर हाई फ्लो बहुत ज़्यादा वहाँ पे म्यूकोशल फ्लो हो जाए, ठीक है। अब देखो कॉमन फॉर्म ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं पेप्टिक अल्सर, तो ये देखेंगे। पहला तो हमने लिखा है ड्यूडिनल अल्सर, क्लियर, पहला कौन सा है, ड्यूडिनल अल्सर। दूसरा हमारे पास है गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा हमारे पास कौन सा है, ईसोफेजियल अल्सर, चौथा हमारे पास स्ट्रेस अल्सर है, और पांचवा है एनसेड्स या फिर नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। स्ट्रेस अल्सर की बात करें तो ये स्पेशली स्ट्रेस से इंड्यूस होता है, जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। जो आपका फिफ्थ है एनसाइड्स, ये आपकी होती हैं पेन किलर्स, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे नसेड्स के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, दिस इज ए एनसाइड्स या फिर नसेड्स। अब देखो हम यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टमक, आमाशय जिसको बोलते हैं ना। अब हम इसके माध्यम से समझेंगे कि अल्सर की लोकेशन क्या होती है, दिस इज ए स्टमक। ईसोफेजियल अल्सर की बात करें, जहां हमने ये देखा था ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ईसोफेजियल अल्सर आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ईसोफेगस जो आपका होता है वो ये जो कैविटी होती है स्टमक तक जुड़ी होती है ना, हम ओरल कैविटी से खाना खाते हैं, ईसोफेगस के थ्रू हमारा स्टमक में पहुंच जाता है, तो जो हमारी ये ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंच रहा है उसको बोलते हैं ईसोफेजियल, ठीक है, ईसोफेगस। उसी जगह पे जो आपका अपर पार्ट होता है स्टमक का, ईसोफेगस वहां से जुड़ा होता है, अगर वहां पे अल्सर हो जाए तो हम बोलते हैं उसको ईसोफेजियल अल्सर, क्लियर, पहला आ गया समझ में। दूसरा अल्सर है आपका गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर स्पेशली इन साइड द स्टमक होगा, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस में होगा जो कि स्टमक के अपर पार्ट से जुड़ा है, गैस्ट्रिक अल्सर स्पेशली इन साइड द स्टमक, क्लियर। अब आपका है ड्यूडिनल अल्सर, दिस इज ए पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो नीचा पार्ट, नीचे जो हमारा लोएस्ट पार्ट है स्टमक का, उससे इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है आपकी ना,
तो अगर वहाँ पे हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ड्यूडिनल अल्सर। आई होप आपको लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कौन सा अल्सर कहाँ पे होता है ना। बात रही स्ट्रेस अल्सर, तो स्ट्रेस अल्सर आपका कहीं भी हो सकता है। इट मे बी ड्यूडिनल अल्सर, इट मे बी इसोफेजियल अल्सर, इट मे बी गैस्ट्रिक अल्सर, सेम एज एनसाइड्स। एनसाइड्स भी आपका कहीं भी हो सकता है, इट मे बी इसोफेजियल, ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये वाला है इंपॉर्टेंट सेल्स एंड सिक्रेशंस, मतलब जो हमारी स्टमक है उसमें मेजर कौन कौन से सेल है हमारे पास, कोशिकाएं हैं जहां से हमारा जो सिक्रेशंस है वो रिलीज हो रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। पैराइटल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी, सिक्रेशंस कैसे मेंटेन हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, तो उसमें देखेंगे। पैराइटल सेल से आपका रिलीज हो रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चीफ सेल से हो रहा है हमारा पेप्सिनोजन, ठीक है, म्यूकस नेक सेल्स एंड सरफेस एपिथेलियल सेल से हो रहा है हमारा म्यूकस। जी सेल्स रिलीज करती हैं गैस्ट्रिन को, ECL रिलीज करती हैं हिस्टामाइन। ECL मतलब होता है इंटीरो क्रोमैफिन लाइक सेल्स, ठीक है, ECL रिलीज करती हैं हिस्टामाइन को। क्लियर, देखो एक चीज और क्लियर करते हैं, यहाँ पे आपका एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, ये इटियोलॉजी इज आइडियोपैथिक। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर है उसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है, मतलब एग्जैक्ट कारण नहीं पता है जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है हम कंप्लीट क्योर नहीं कर पाते हैं ना, लेकिन कुछ हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म दी गई हैं जिसपे हमारी ड्रग टारगेट करती हैं, जो ड्रग हमारी वो काम करती हैं। क्योंकि अगर हम बोल दें कि भाई हमें कुछ भी नहीं पता है बीमारी के बारे में, तब तो फिर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ भी नहीं दिला पाएंगे पेशेंट को ना, तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस के बेस्ड पे कुछ हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म हमें मिल जाती हैं जिसपे हमारी ड्रग टारगेट करने लगती है और सिम्टोमेटिक उस बीमारी से रिलीफ दिला देती है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा आइडियोलॉजी इज आइडियोपैथिक, मतलब जो उसके कारण है, कॉजेटिव एजेंट है, वो अननोन है, एग्जैक्टली नहीं नोन है ना, लेकिन हाइपोथेटिकल कुछ यहाँ पे बनाए गए हैं, तो वो थोड़ा देख लीजिए आप कि जो एटियोलॉजी और हाइपोथेटिकल क्या है। मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर का जो इंपॉर्टेंट सबसे कॉज माना जाता है वो आपका है एच पायलोरी। ठीक है, एच पायलोरी मोस्ट ऑफ द हेल्थी वॉलंटियर्स में, हेल्थी पर्सन में मिलता ही है, जो उसका रेजिडेंशियल लोकेशन है वो स्टमक है, तो मोस्टली लोगों के स्टमक में जो आपका एच पायलोरी है वो मिलता ही है। ठीक है, सेकंड आपका एनसाइड्स, एनसाइड्स का केस तब आता है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जब कोई पर्सन बहुत दिनों तक अपना जो पेन किलर्स हैं एनसाइड्स की कैटेगरी में, लाइक आपका पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, मेफ्नाविक एसिड, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अगर वो पर्सन लंबे टाइम तक लेता है तो क्या होता है उसकी बॉडी में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है, म्यूकोसल डिग्रेडेशन होने लगता है वहाँ पे स्टमक में, वो लेयर डैमेज होने लगती है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो सेकेंड कॉज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका NSAID या फिर NSAIDs, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब जो तीसरा कॉज माना गया है स्ट्रेस, ठीक है, तनाव। देखो तीसरा आपका कॉज स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड, इनका केस ऐसा है ये खुद में पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करते हैं, स्ट्रेस नेवर कॉज पेप्टिक अल्सर एंड आल्सो स्पाइसी फूड नेवर कॉज पेप्टिक अल्सर, लेकिन अगर ये दोनों बढ़ जाएंगी तो पेप्टिक अल्सर की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो जाएगी, मतलब ये एक्टिक अल्सर के जो सीवियरिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन खुद में स्ट्रेस और स्पाइसी फूड पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करते हैं, किसी भी रिसर्च में ऐसा फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेजर हमारे पास दो ही फैक्टर है, फिर वो इनसाइड से हो सकता है या फिर आपका एच पायलोरी हो सकता है, लेकिन कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया है बहुत सारे पेप्टिक अल्सर के केस जेनेटिक भी मिलते हैं, मतलब अनुवांशिकी भी देखे गए हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये बता दिया था लोकेशन, अब देखते हैं पेप्टिक अल्सर का अगर पेशेंट है तो उसके लक्षण क्या होंगे ना, एज अ वूमन सबको पता ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बर्निंग एंड स्टमक पेन, मतलब पेट में आपको थोड़ा जलन महसूस होगी और दर्द हो सकता है आपके स्टमक एरिया में। फीलिंग ऑफ फुलनेस, इसका मतलब होता है आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पेट भरा हुआ है, मतलब आपको भूख की एहसास नहीं होगा, एपेटाइट आपका नहीं होगा। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब होता है पेट फूलना, गैसेज एसिडिटी बनना या फिर गैस बनना, ब्लॉटिंग जैसी दिक्कतें आएंगी आपको। हर्टबर्न मतलब जो आपका हर्ट रीजन है उसमें जलन महसूस होगी, हर्टबर्न। नौजिया मतलब उल्टी की शिकायत भी आपको किसी किसी पेशेंट में ऐसा देखा जाता है। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे हम जो हमारा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस बाय पैराइटल सेल, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा
क्लासिफिकेशन हमारा एंटी अल्सर ड्रग। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमने यहाँ पर फिजियोलॉजी बताई है जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस की, इसी में आपको हिट करेंगे हम जो आपकी एंटी अल्सर ड्रग्स है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले भाई स्टार्ट करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाई पैराइटल सेल्स, क्लियर। अब देखो सबसे पहले ये पैराइटल सेल है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा प्रयास किया है बताने का। अब देखो हमारे पास क्या है, एक रिसेप्टर है CCK2 रिसेप्टर, ठीक है। CCK2 रिसेप्टर है, इससे बाइंड होता है हमारा गैस्ट्रिन, ठीक है। मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, वो होता है हमारा जी सेल से, क्लियर। ये सब फ्लैक्चुएट करते हैं, मतलब एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। CCK रिसेप्टर है जिससे हमारा गैस्ट्रिन बाइंड हुआ, और गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है आपका जी सेल से। सेकेंड आपका आया है M2 रिसेप्टर, मतलब मस्क्रेनिक रिसेप्टर, जो ये हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम का है। अब देखो क्या है, M2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर हमारा मस्क्रेनिक है, M3 से बाइंड हो गया, और जो कहाँ से आ रहा है एसिटाइल कोलिन, जब हमारा वेगस स्टिमुलेशन होता है, दिस इज ए क्रैनियल नर्व। दो आगे समझ में। अब तीसरा हमारे पास है H2 रिसेप्टर, ठीक है। H2 रिसेप्टर कहाँ से बाइंड होता है, H2 रिसेप्टर से कौन बाइंड होता है, वो होता है हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारा H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। हिस्टामिन कहाँ से आता है, वो आता है हमारा ECL सेल्स, मतलब इंटरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। अब तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई भाई, गैस्ट्रिन, एसिटाइल कोलिन एंड हिस्टामिन, इतनी चीज़ आ गई समझ में। चौथी चीज़ एक और है यहाँ पे, प्रोटीन काइनेज एंजाइम, हाँ इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब ये चार चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब देखो क्या करता है, जो गैस्ट्रिन होता है वो आपका एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को, सेम आपका एसिटाइल कोलिन भी कर रहा है, क्लियर, और आपका हिस्टामिन भी कर रहा है। बात आ गई समझ में, गैस्ट्रिन आपका हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कर रहा है, सेम एज आपका एसिटाइल कोलिन जो कि M3 रिसेप्टर, मस्क्रेनिक रिसेप्टर है हमारा, मतलब एसिटाइल कोलिन को एनर्जी सिस्टम, दो रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक और मस्क्रेनिक, ठीक है। तो M3 जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो भी हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा हिस्टामिन, वो भी हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर रहा है। अब देखो क्या होता है, जब भी प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ PKC सिग्नलिंग, वो भी एक्टिवेट करता है आपका हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। बात आ गई समझ में। अब देखो चार चीजें हैं आपके पास, गैस्ट्रिन, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन एंड प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ठीक है। चारों चीजें क्या कर रही हैं, अल्टीमेटली हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को एक्टिवेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, यहां पे हो रहा है एक्टिवेशन, बहुत ध्यान से समझना है आपको ना, तभी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी हम इसमें ड्रग भी टारगेट करेंगे, क्लियर। अब एक्टिवेट हो गया आपका हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, वही आपका मेन रोल प्ले करता है आपका पेप्टिक अल्सर में। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस पंप से पोटेशियम बाहर, पोटेशियम अंदर चला गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपके आ गए बाहर, जैसा कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन बाहर आ गया, पोटेशियम अंदर एंट्री कर गया। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन तो है ही है, अब जो क्लोराइड है वो हमारे स्टमक में क्लोराइड आयंस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, एज वी नो क्लोराइड आयंस हमारे बॉडी में स्टमक में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने क्या कर लिया, H+Cl मिला के क्या हो गया, HCl, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये पूरा आपका फिजियोलॉजी है कि कैसे जो आपका HCl है पैराइटल से इंक्रीज हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर कॉज करने के लिए। अगर ये पंप एक्टिवेट हो गया, मतलब आपकी बॉडी में आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होने लगेगा, HCl बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है, या फिर ईसोफेजियल अल्सर हो सकता है, क्लियर। जो आपकी इंसेट्स हैं वो भी एक्टिवेट कर देती है उसको ना, तो वो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये आपका पूरा जो फिजियोलॉजी हो गई, आ गई समझ में आपको। अब इसी में, इसी डायग्राम में हम आपको हिट करके बताएंगे जो मोस्टली ड्रग है वो कहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो उसके पहले हम देख लेंगे हम अपना
क्लासिफिकेशन। देखो हमने यहाँ पे फिजियोलॉजी समझ ली है, एसिड रेगुलेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे भाई एंटी अल्सर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, अभी देखो एक चीज और है, अभी तुमने यहाँ पे रिसेप्टर देखे, अभी ये रिसेप्टर है ना मोस्टली आपको इस क्लासिफिकेशन में मिल जाएंगे, तो इससे आपको प्रिडिक्शन भी लगा लेना चाहिए कि ये दवाइयाँ कहाँ पे काम कर रही हैं। अब देखो जो हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन है वो है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस। ठीक है, इसका पहला है H2 एंटागोनिस्ट, या फिर हम बोले H2 एंटीहिस्टामिन्स। H2 मतलब हिस्टामिन, तो हिस्टामिन का कौन सा रिसेप्टर है? H2। H2 कहाँ मिल रहा है? पैराइटल सेल में, यहाँ पे देख लो आप ये। ठीक है, H2 की लोकेशन आपकी स्टमक में पैराइटल सेल के अंदर है। अब देखो क्या कर रहा है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, फिर H2 एंटीहिस्टामिन्स लाइक सेमेटिडीन, रेनेटिडीन एंड फेमोटिडीन। क्लियर हो गया। अब आपका बी नंबर है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, आल्सो नोन एज PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप कौन सा है? दिस वन प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीफेज इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड रेबेप्राजोल। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब ये हमारा प्रोटॉन पंप है तो इनको इनविट कर देते हैं। आपको पता होगा जब ये पंप इनविट हो जाएगा तो HCl नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक, मतलब जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है कौन सी थी? एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर, तो पेरेंजिपीन एंड ऑक्सीफिनोनियम, ऑक्सीफिनोनियम एंड पेरेंजिपीन, ये हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। ठीक है, इसमें यूज होती हैं। देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एक विशेष बात होती है, ये आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ करती हैं, इट मींस ये बॉडी के सेक्रेशंस को कम कर देती हैं। आपको अंदाजा लग जाना चाहिए स्टमक में क्या हो रहा है, सेक्रेशंस बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ रहा है, तो सेक्रेशंस को रिड्यूस कर देती हैं, इसीलिए इनको यूज करते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक कोई भी आप कहीं भी ट्रीटमेंट करिए वो ड्राइनेस करेंगी, आपके बॉडी फ्लूइड्स को सप्रेस करेंगी, वो उस तरह से यूटिलाइज हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, स्पेशली PGE2 एंड PGI2। ठीक है, अब देखो प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ होते हैं बेनिफिशियल। ठीक है, लाइक जो हमारा PGE2 है और PGI2 है वो हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव का काम करता है, सपोर्टिव का काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इनहिबिटर नहीं लगा रहे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम दे रहे हैं पीजी एनालॉग, मतलब हम उस प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ाएंगे, कौन सा? PGE2 एंड PGI2। ध्यान देना है यहाँ पे एंटागोनिस्ट नहीं है, एनालॉग है। कौन सा है? मीसोप्रोस्टोल। मीसोप्रोस्टोल इज ए पीजी एनालॉग लाइक PGE2 एंड PGI2, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंटासिड्स। ठीक है, बहुत वेल नोन है, बहुत अच्छे से पता होगा, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। एंटासिड्स क्या होते हैं? द न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, उसको बोलते हैं एंटासिड्स। लाइक अगर सिस्टमिक एंटासिड्स की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो तीसरा आपका पॉइंट है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। ठीक है, सुक्रालफेट एंड वाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट। देखो इसके नाम से ही लग रहा है अल्सर प्रोटेक्टिव, ये सुक्रालफेट करता क्या है अभी हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, आप थोड़ा अभी हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। इसके नाम से लग रहा है अल्सर प्रोटेक्टिव, ये वहाँ पे जाके फिजिकल बैरियर की तरह चपक जाते हैं जिससे जो म्यूकोसा है वो डैमेज नहीं हो पाती है। क्लियर, अब बात करें हम एंटी एच पाइलोरी, इसका केस अलग है। एंटी एच पाइलोरी जो आपका क्लासिफिकेशन है वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपका पेप्टिक अल्सर केवल केवल बैक्टीरिया की वजह से हो। ठीक है, हम तभी एप्लीकेबल मानते हैं। लाइक आपका एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, बीटा लैक्टम में आती है पेंसिलिन में, क्लेरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड आपकी, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मीवियासिस में यूज करते हैं हम, और आपकी है टेट्रासाइक्लिन, दिस इज आल्सो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये जो ऑल ओवर है आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो दोस्तों जो हमारा डायग्राम था उसमें मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि ड्रग को हिट किया जाए, इसे जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला है आपका देख लेते हैं। अब जो हमारे पास था M3 रिसेप्टर था, M3 मतलब मस्कराइनिक रिसेप्टर था, कोलिनर्जिक का रिसेप्टर है, वहां पे हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स काम करेंगी लाइक
पेरेंजिपिन एंड ऑक्सीफिनोनियम, यहाँ पे देख लीजिए आप, पेरेंजिपिन एंड ऑक्सीफिनोनियम ये हमारी करेंगी M3 रिसेप्टर पे, बात आ गई समझ में। अब क्या होगा, NTH2 मतलब हिस्टामिन एंटागोनिस्ट या फिर एंटी हिस्टामिन्स की बात करें, लाइक आपका H2 काम करेंगी यहाँ पे, दिस वन लाइक आपका सेमिटिडीन है, रेनेडिडीन है, H2 को ब्लॉक कर देंगी जिससे आपका हाइड्रोजन पोटेशियम जो एटीपेज है एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्लियर। और इसके बाद जो हमारा कुछ एक्शन है एंटीकोलिनर्जिक का गैस्ट्रिन पे भी है, गैस्ट्रिन के भी सिक्रीशंस को कम करेगा। अब इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है PPI मतलब प्रोटॉन पर मिलीलीटर। अगर हम बात करें जो पेप्टिक अल्सर की सबसे अच्छी दवाई या फिर हम बोले ड्रग आप चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी, वो है आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्यों है, देखो ये प्रोसेस यहाँ से ब्लॉक हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है, यहाँ पे काम कर रही है दवाइयाँ, यहाँ पे काम कर रही है, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एक्टिवेट हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली इसको हिट कर दें उस प्रोसेस से हमें ऊपर मतलब ही नहीं ऊपर क्या चल रहा है, हम डायरेक्टली सेंटर पे जाके और जहाँ से रिलीज हो रहा है CL बनना है हम उस पर ही डायरेक्ट टारगेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए ये जो ड्रग है हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे अच्छी मानी जाती है ड्रग, आप चॉइस है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर। अब जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो इस पंप को ब्लॉक कर देते हैं, कौन से पंप को, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। जब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे HCl नहीं बनेगा, क्लियर। देखो PPI के एग्जांपल लाइक आपका ओमेप्राजोल है, रेप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, इस्नोप्राजोल है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है। तो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ से लग गया होगा। अभी और थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जितनी भी कैटेगरी की, लाइक आपका अल्सर प्रोटेक्टिव कैसे काम करते हैं और एंटी एच पाइलोरी का केस क्या होता है, तो हम थोड़ा सा और अभी ब्रीफ में देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी एंटी अल्सर ड्रग थी, तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हर एक क्लास की ड्रग की, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट या फिर हम बोले एंटी हिस्टामिन, ठीक है, यहाँ पे H2 है, आपको याद रखना पड़ेगा H2 की जो लोकेशन है वो आपकी स्टमक है, H1 की लोकेशन अलग है, उसका रोल अलग है, यहाँ पे केवल हम बात कर रहे हैं H2 की, ठीक है। तो अगर हम H2 की बात करें तो ये हमारा क्या है, दीज आर फर्स्ट क्लास ऑफ हाईली इफेक्टिव ड्रग फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज बट रिप्लेस्ड बाई PPI। जब PPI नहीं आया था मार्केट में तो उसके पहले जो सबसे अच्छी दवाई मानी जाती थी एसिडिटी की, पेप्टिक अल्सर की, उसको मानी जाती थी आपकी H2 एंटागोनिस्ट या फिर एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है, स्पेशली H2। लेकिन जब से मार्केट में PPI आ गई तो उसको कर दिया रिप्लेस, ठीक है। तो अब जो मेडिसिन है सबसे अच्छी वो आपकी है PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दिस इज DOC फॉर पेप्टिक अल्सर, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अब देखो जो H2 एंटागोनिस्ट है एंटी हिस्टामिन्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इनके साथ, ये बॉडी में जाके B2 जो B12 बिटवीन है आपकी उसकी डिफिशेंसी कर देते थे। हाँ ये केस तभी आता था जब कोई पर्सन इसको प्रोलॉन्ग यूज करता था, ठीक है। अगर हीलिंग रेट की बात करें तो लगभग 24 घंटे में ये 60-70% एसिड प्रोडक्शन रोक देते थे, बहुत अच्छी थी। कितना, 24 घंटे के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो रहा है आपके स्टमक में वो नियरली 70% आपका इनहिबिट हो जाता था, न्यूट्रलाइज कर देते थे, ठीक है। अब देखो इनके कुछ साइड इफेक्ट थे, एडवर्स इफेक्ट थे, लाइक आपका हेडेक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, गैनकोमेस्टिया, स्पेशली सेमेटिडीन। जो गैनकोमेस्टिया का केस है वो स्पेशली सेमेटिडीन के केस में है ना, गैनकोमेस्टिया होता है जब मेल के ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, याद रखो मेल के ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम गैनकोमेस्टिया, स्पेशली ओरिजिनेट फ्रॉम सेमेटिडीन, क्लियर। अब बात करें इंडिकेशन, इंडिकेशन मीन्स मतलब किस दवा किस बीमारी में यूज कर रहे हैं, फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। एस्टेस अल्सर के केस में दे सकते हैं, DU मतलब ड्यूडिनल अल्सर, GU मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, GE सिंड्रोम जो आपके ट्यूमर्स होते हैं ना, किसी को ट्यूमर्स हो जाए स्पेशली स्टमक या फिर GIT में, तो जो एसिड प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सट्रीम लेवल का, तो उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये रिप्लेस हो चुके हैं तो PPI ही हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद आपका GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब जो आपका स्टमक में फूड कंटेंट है वो इसोफेगस से दोबारा ओरल कैविटी की तरफ रिफ्लेक्स होने लगता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, क्लियर। बात करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बहुत अच्छी दवाई है भाई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, आपकी बहुत तगड़ी मेडिसिन है, DOC है पेप्टिक अल्सर की, ठीक है। अब इसके बारे में भाई क्या है हमारे पास, इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप,
बहुत इंपॉर्टेंट पंप है। जब हमने आपका फिजियोलॉजी बताया था एसिड प्रोडक्शन का, तो वहां पे भी आपने देखा था ना, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को डायरेक्टली ये ब्लॉक कर देते हैं। ऑल दी पीपीआई प्रोड्रग एंड रिक्वायर पीएच एसिड, मतलब जितने भी आपके मोस्टली पीपीआई वो प्रोड्रग हैं, जब आपकी बॉडी में जाते हैं तभी एक्टिवेट होता है होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोड्रग। और ये एक्टिवेट कब होते हैं, मतलब इनको काम का जो इफेक्टिवनेस है, इनका जो मैकेनिज्म है, वो तब एक्टिव होगा जब वहाँ का जो पीएच है वो एसिडिक होगा। भाई अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो स्टमक का जो पीएच है वो बेसिक तो होगा नहीं, नाइन न्यूट्रल होगा, तो क्या हुआ है? जो स्टमक का पीएच है वो एसिड होगा, तभी तो आपकी पीपीआई काम कर रही है। मान लो अगर किसी कोई हेल्थी वॉलंटियर है, हेल्थी इंडिविजुअल है जिसका पीएच बेसिक है, तो पीपीआई वहां पे कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि आपका जो पीएच है वो एसिडिक होना चाहिए। डीओसी फॉर पेप्टिक अल्सर, इट मे बी ड्यूटिनल अल्सर, इट मे बी गैस्ट्रिक अल्सर, इट मे बी इसोफेजियल अल्सर, ठीक है। अब देखो कुछ इसके साथ दिक्कतें थी, एडवर्स इवेंट थे, एडवर्स इफेक्ट थे, जीआई डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम आई इसमें ना, डिजीनेस की दिक्कत आई, हिपेटिक फेलियर, हिपेटिक अल्ट्रेशंस, आयरन की डिफिशेंसी हो जाती है। पेप्टिक जो पीपीआई है उनके देने से आयरन एंड विटामिन बी 12 डिफिशेंसी हो जाती है, इसलिए हम प्रोटोन पंप इन्विटर के साथ में कुछ जो मल्टीविटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है, उनको साथ में हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इंडिकेशन की बात करें, मतलब किस में यूज करना है, हमें ड्यूडिनल अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, जो ट्यूमर के केस में बहुत ज्यादा एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन होता है, एनसाइड्स इंड्यूस अल्सर, एनसाइड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर लेता है तो उसको अल्सर की दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि इनका पीएच भी एसिडिक होता है ना, तो उस केस में आपका पीपीआई ड्रग ऑफ चॉइस है। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग के केस में अगर पेप्टिक अल्सर है, प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर के साथ ब्लीड हो रहा है, तो फिर उसमें भी दे सकते हैं हम। अब बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक, स्पेशली पेरेंजीपिन की ना, दिस इज सेलेक्टिव M2 एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। M2 सेलेक्टिव है लेकिन इसका काम M3 पे भी है, ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, उसका एसिड प्रोडक्शन को कम करती है। अब ये क्या है, इट हैज नॉट बीन इन इंडिया एंड USA। जो आपकी पेरेंजिपिन है, एंटी कोलिनर्जिक है, उसको इंडिया और USA में नहीं यूज करते हैं ना। अब देखो क्या है, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस का जो रिडक्शन है पेरेंजिपिन से, वो नियरली 50%, मतलब बहुत कम है। इससे तो अच्छा अपना एंटा ये H2 एंटागोनिस्ट था, जो नियरली आपका 24 घंटे में 70% रिडक्शन कर रहा था ना, तो इसलिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, स्पेशली PGE2 एंड PGI2। अब देखो, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ PGE2 एंड PGI2, ये आपको याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंट्रेंस एग्जाम के लिए, लाइक GPAT, DIF, फिर और भी बहुत सारे एग्जाम है, कि जो पीजी इनोलॉग है, स्पेशली मीसोप्रोस्टोल किस पे काम करता है, तो आपको बताना पड़ेगा PGE2 एंड PGI2, क्लियर। अभी करते क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ जो आपका मीसोप्रोस्टोल है, वो क्या कर रहा है, PGE2 एंड PGE2 I2 का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिससे क्या हुआ, आपका एसिड का सिक्रेशन वो कम हो जाता है, ठीक है। प्रमोटिंग म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकस जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी जो स्टमक की लेयर है वो जनरेट होगी, इरोजन के चांस कम होते हैं उसमें ना। बाइकार्बोनेट आपका बेसिक है, मतलब बेसिक मीडियम वहाँ पे हो जाएगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी ना, वही तो हमें चाहिए। अब बात करें भाई एडवर्स इफेक्ट की, डायरिया का केस आता है इसके साथ, एबॉर्शन। अब भाई आप प्रिडिक्ट करिए थोड़ा सा, कि जो मीसोप्रोस्टोल है आपकी, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, एबॉर्शन क्यों कर रही है, या फिर यूट्राइन ब्लीडिंग कर रही है, तो आपके ब्रेन में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मीसोप्रोस्टोल है वह है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, लाइक PGE2 एंड PGI2, और PGE2 एंड PGI2 का जो लोकेशन है आपका स्टमक में भी है, और इसके अलावा कहाँ होगा, एबॉर्शन होता है यूट्रस, तो यूट्रस में भी इसका लोकेशन है, इसलिए यूट्राइन ब्लीडिंग का केस हो जाता है, और मीसोप्रोस्टोल देने से एबॉर्शन भी हो जाता है, ठीक है। आप प्रिडिक्ट करिए और थोड़ा सा कोरिलेट करके चलिए, जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव सुक्रालफेट, स्पेशली टॉकिंग अबाउट सुक्रालफेट, इट इज बेसिक एल्यूमिनियम साल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज, बेसिक एल्यूमिनियम साल्ट है किसका, सल्फेटेड सुक्रोज का, सुक्रोज का साल्ट है। इट प्रोड्यूस स्टिकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी, इट प्रोड्यूस स्टिकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी, मतलब ये स्टमक के लेयर पे जाके चपक जाता है, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे जो एसिड है वो अटैक नहीं कर पाता है, जिससे जो लेयर है, म्यूकस लेयर है, वो डैमेज नहीं हो पाती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस फिजिकल बैरियर एंड प्रिवेंटिंग एसिड
पेप्सिन एंड बाइल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका स्टमक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, सुक्रालफेट जा गया, यहाँ पे बैठ गया जाके। अब भाई एसिड अटैक नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाइल अटैक, या फिर हम बात करें आपको पेप्सिन अटैक नहीं कर पा रहा। अगर वो अटैक भी करेगा तो सबसे पहले आपकी जो लेयर है ना सुक्रालफेट की, पहले तो ये डैमेज होगी, उसके बाद आपका म्यूकस लेयर डैमेज होगी, तो ये फिजिकल बैरियर की तरह वहाँ पे चपक जाता है। तो जो और जो चीज़ें हमारी फैक्टर्स हैं, एलिवेटिंग फैक्टर्स हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत आती है इसमें। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फेटीमिया, मतलब इसके लेने से फॉस्फेट का लेवल डिफिशियंस हो जाता है ना, फॉस्फेट की डिफिशियंसी हो जाती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड नोजिया की दिक्कत आती है। इंडिकेशंस की बात करें तो गैस्ट्राइटिस में देते हैं हम। प्रोफाइलेक्सिस फॉर स्ट्रेस अल्सर, जब स्ट्रेस अल्सर का केस आता है तब हम एज ए प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ सुक्रालफेट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया एंटी एच पायलोरी ड्रग। देखो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारी जो एच पायलोरी है, हेलोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया है हमारी, उस पर कोई ड्रग काम नहीं कर रही थी। ये कब कर रही थी भाई, आपका खाने से हो गया, या फिर एनएसआईडी इंड्यूस अल्सर हो गया, या फिर जेनेटिक अल्सर है, उसमें ट्रीटमेंट में काम करेंगी ये। लेकिन अगर कोई पेप्टिक अल्सर आपका एच पायलोरी से हुआ है तो उसमें केवल ये दवाइयाँ काम करेंगी जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एंटी एच पायलोरी ड्रग के केस में क्या था। हेलोबैक्टर पायलोरी इज ग्राम नेगेटिव बैसिलस, क्या है ये आपकी ग्राम नेगेटिव बैसिलस है, लिव इन स्टमक, जो रेजिडेंशियल इसका लोकेशन है वो आपका स्टमक में, मैंने पहले बताया था। अभी ऐसा नहीं होता है कि जिसको पेप्टिक अल्सर होगा उसी के पेट में होगा, ये भाई स्टमक में नियरली 70% लोगों के केस जो स्टमक में आपका एच पायलोरी की लोकेशन मिलती है, एच पायलोरी मिलती है ना। इट हैज यूरिएज एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है इस बैक्टीरिया के पास, यूरिएज एक्टिविटी होती है, और ये अमोनिया रिलीज करता है ना, प्रोड्यूस अमोनिया, जिससे क्या होता है जो उसके बैक्टीरिया का एनवायरमेंट होता है वो न्यूट्रल रहता है ना। इट हैज यूरिएज एक्टिविटी, प्रोड्यूस अमोनिया, मेंटेन्स न्यूट्रल माइक्रो एनवायरमेंट अराउंड द बैक्टीरिया, जिससे वो अच्छा सर्वाइव कर पाए, ग्रोथ कर पाए। यूरिएज एक्टिविटी से जो उसका एनवायरमेंट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इट फाउंड नियरली 20-70% हेल्थी का एच पायलोरी बैक्टीरिया है वो लगभग 20-70% जो हेल्थी वॉलंटियर्स है, हेल्थी इंडिविजुअल्स हैं, उनके स्टमक में मिलता है। अगर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलता है तो वही पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है, अगर इसका कंसंट्रेशन कम रहता है तो पेप्टिक अल्सर या फिर एसिडिटी जैसी दिक्कतें नहीं आती हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें भाई, अगर एच पायलोरी का इन्फेक्शन है तो कैसे हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, लैंसोप्रोजोल की जो डोज होगी वो होगी 30 mg, मतलब 30 mg, एमोक्सिसिलिन वो होगा आपका 1 gram, प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन होगा आपका 500 mg। ठीक है, एमोक्सिसिलिन आपकी पेंसिलिन है, लैंसोप्रोजोल आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आपकी मैक्रोलाइड है। ठीक है, लैंसोप्रोजोल आपकी 30 mg होगी, एमोक्सिसिलिन आपकी होगी 1 gram, उसके बाद जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो आपकी होगी 500 mg। तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। बीडी लेना है इसको, और कितने दिन तक लेना है, फॉर 2 weeks। ये जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है, वो दिया है USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो USFDA है उसने अप्रूव्ड किया है इस फॉर्मूले को। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें दूसरा फॉर्मूला है वह है ओमेप्राजोल आपका 40 mg, मेट्रोनिडाजोल आपका आएगा 400 mg, और एमोक्सिसाइक्लिन 500 mg आपको कैसे चलाना है, वो चलाना है TDS, मतलब दिन में 3 बार, यहाँ पे दिन में 2 बार था, ये दिन में 3 बार, कब तक चलाना है, फॉर 1 week, और यहाँ पे था फॉर 2 week। मतलब अगर BD आप दे रहे हो एज पर USFDA फॉर्मूला तो आपको चलाना पड़ेगा 2 weeks, लेकिन ये जो सेकेंड फॉर्मूला है ये दिया गया था NFI ऑफ इंडिया 2010, जो नेशनल फॉर्मूली ऑफ इंडिया थी ये उसके द्वारा रिलीज किया गया था। मतलब ओमेप्राजोल 40 mg, मेट्रोनिडाजोल आपका 400 mg, एमोक्सिसाइक्लिन 500 mg, इसको चलाना था हमें TDS दिन में 3 बार, और कितना
दिन तक था वो था 1 वीक। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी आई होगी, और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।